अदाकारी में नजाकत, आवाज में जादू, नृत्य में अदा, अभिनय में गजब की नेचुरैलिटी और किरदार ऐसा कि किसी भी दर्शक को पल भर में कायल कर दे। ये सारे विशेषण एक साथ मिलाकर किसी इंसान की शक्ल दी जाए तो उनका नाम होगा द वन एंड ओनली वहीदा रहमान। जी हाँ, इन बॉलीवुड में लगभग 5 दशक तक सबके दिलों पर राज करने वाली वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। या यूं कहें कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड को वहीदा रहमान को देकर इस पुरस्कार की शोभा में 4 चांद लगाने की घोषणा की गई है। ये जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अनुराग ठाकुर ने लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी और सम्मान की अनुभूति हो रही है कि वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अभिनेत्री वहीदा रहमान लाखों लोगों के दिलों की धड़कन रही है। अभिनेत्री वहीदा रहमान को गाइड, प्यासा, कागज के फूल और 14वीं का चांद जैसी फिल्मों में उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अपने पोस्ट में लिखा कि वहीदा जी को हिंदी फिल्मों में जिन भूमिकाओं के लिए क्रिटिक्स द्वारा प्रशंसा की गई है उनमें से प्रमुख हैं प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहेब बीबी और गुलाम, गाइड, खामोशी और कई अन्य। अपने शानदार अभिनय के लिए एक्ट्रेस को फिल्म रेशमा और शेरा में एक कुलवधु के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित वहीदा जी ने एक भारतीय नारी के समर्पण, प्रतिबद्धता और ताकत का उदाहरण दिया है जो अपनी कड़ी मेहनत से प्रोफेशनल एक्सीलेंस हाईएस्ट लेवल को अचीव कर सकती हैं। आखिरी बार इंडियन अमेरिकन कमिंग ऑफ एज स्पोर्ट्स ड्रामा स्केटर गर्ल में देखा गया था जो साल 2021 में रिलीज हुई थी। 3 फरवरी 1938 को जन्मी वहीदा रहमान को हिंदी सिनेमा में अतुल्य योगदान के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा भारत सरकार ने 1972 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इसके बाद 2011 में वहीदा रहमान को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पुरस्कार की घोषणा के बाद मीडिया से बात करते हुए वहीदा रहमान जी ने कहा कि वो भारत सरकार, सूचना मंत्रालय और तमाम जूरी मेंबर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना। भारत सरकार इज्जत से, प्यार से और मोहब्बत से जो भी देती है वो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने देवानंद जी के साथ अपनी पहली फिल्म सीआईडी को याद किया और कहा, यूं तो गुरुदत्त जी, राज कपूर और तमाम अभिनेता के साथ काम करने का अनुभव शानदार रहा, मगर आज देवानंद जी को 100वें जन्मदिन पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पे ऐसा लग रहा है जैसे जन्मदिन उसका है मगर तोहफा मुझे मिला है।